हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 1 ग्रैंडफादर्स हाउस। हमने चैप्टर 6 तक रीड कर लिया था, इस बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। हम फिर से रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 से। लेट्स रीड। हैदी इज एन ऑफेंस लिटिल गर्ल हु लिव्ड विद हर आंट डेटे। हैदी एक अनाथ छोटी लड़की जो अपनी चाची डेटे के साथ रहती है। हैदी टू लिव विथ हर ग्रैंडफादर हुम हैदी हैज नेवर मेट बिफोर। हैदी अपने दादा के साथ रहती है जिससे वे पहले कभी नहीं मिले। ही लिव्स इन ए लिटिल वुडन हाउस हाई अप ऑन द माउंटेन कॉल्ड द एलप्स विथ हिज टू गॉड्स। वह लकड़ी के एक छोटे से घर में रहता है जो अपनी दो बकरियों के साथ एलप्स नामक पहाड़ों पर ऊंचा है। सी एक्सट्रैक्ट यू आर अबाउट टू रीड द डिस्क्राइब्ड हैदीज फर्स्ट डे इन द हर न्यू होम। इसमें बताया गया है जिस उद्धरण को आप पढ़ने जा रहे हैं उसके नए घर में हैदी के पहले दिन का वर्णन करने वाले हैं। नाउ हैदी वाज अलोन विद ग्रैंडफादर। अब हैदी दादाजी के साथ अकेला था। ही सैट ऑन ए वुडन सीट लुकिंग एट द ग्राउंड। ही डिडंट से ए वुड। इस पे बताया गया है वह अपने दादाजी के साथ अकेला था। वह जमीन पर देखते हुए लकड़ी की सीट पर बैठ गया। उसने एक शब्द नहीं कहा। हैदी वॉक राउंड द आउटसाइड एट द हाउस। हैदी घर के बाहर चला और एक तरफ बकरियों के लिए एक कमरा था। इट वन साइड देयर वाज ए रूम फॉर द गॉड्स। एक तरफ बकरियों के लिए कमरा था विच वाज एम्प्टी जो कि खाली था। एट द बैक वर थ्री बिग ओल्ड फिर ट्रीज। पीछे तीन बड़े पुराने देवदार के पेड़ थे। शी कुड हियर द विंड गोइंग थ्रू देम। वह उनके बीच से गुजर रही हवा को सुन सकती थी। द साउंड वाज लाइक सिंगिंग एंड शी स्टॉप टू लिसन बिफोर गोइंग ऑन राउंड द हाउस। आवाज़ गाना पसंद था और वह घर के चक्कर लगाने से पहले सुनने के लिए रुक गई। ग्रैंडफादर वाज स्टिल इन द सम प्लेस। आगे इसमें बताया गया है दादाजी अभी भी उसी जगह पर थे। हैदी वेंट एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। हैदी गया और उसके सामने खड़ा हो गया। व्हाट डू यू वांट टू डू। तुम क्या करना चाहते हो। He said at last. उसने आखिर में कहा। I want to see what you have inside the house. मैं देखना चाहता हूँ कि घर के अंदर क्या है। Come then, he opened the door. आओ फिर उसने दरवाजा खोला। There was only one room in the house. केवल एक कमरा था, वहाँ सिर्फ एक कमरा था। बट इट वॉज लार्ज। लेकिन वह बड़ा था। इट वन कॉर्नर देयर वॉज ए बिग फायर प्लेस विथ ए टेबल एंड ए वुडन चेयर नियर इट एंड इन द अदर वॉज ग्रैंडफादर्स बेड। एक कोने में एक मेज के साथ एक बड़ी चिमनी और एक उसके पास एक लकड़ी की कुर्सी थी और दूसरे में दादाजी का बिस्तर था। दे वॉज ऑल्सो ए बिग कप बोर्ड। एक बड़ी अलमारी भी थी। इट हैड एवरीथिंग इन इट दैट ही नीडेड। ए फ्यू क्लॉथ्स बाउल्स एंड प्लेट्स ब्रेड्स एंड चीज। ही केयरफुली पुट इन हैदीज थिंग विच डेटे हैड ब्रॉट। आगे इसमें बताया गया है इसमें वह सब कुछ था जिसकी उसे आवश्यकता थी। कुछ कपड़े कटोरे और प्लेटें रोटियों पनीर। उसने ध्यान से हैदी की चीज़ों को रखा जो डेटे ने लाया था। हैदी कमरे में चक्कर लगाती नजर आई। मैं कहाँ सोने जा रहा हूँ दादाजी। जहाँ तुम चाहो वहाँ सो सकते हो। ओके, यहाँ तक हमने रीड कर लिया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको भी रीड करना है और समझना है। ओके, थैंक्स।